नमस्कार दोस्तों, कल एक विद्यार्थी ने हमारे से पूछा कि सर मैं BEMS करना चाहता हूं और इलेक्ट्रोपैथी का सर्टिफिकेशन लेना चाहता हूं। उसके बाद ही एक और स्टूडेंट ने कहा कि मैं DEMS करना चाहता हूं, मेरा एक साथी है वो CEMS कर चुका है। तो जो BEMS है वो इलेक्ट्रोपैथी की सर्टिफिकेशन है, DEMS भी, और जो सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोमोपैथी CEMS इलेक्ट्रोमोपैथी। तो इलेक्ट्रोमोपैथी की रजिस्ट्रेशन जब कोई एक्ट बनेगा तभी पॉसिबल है, तब तक वो अंडर प्रोसेस है उसकी रिकॉग्निशन। और कई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस है वो एक्ट जो है जो पैरामेडिक्स के लिए है उसमें शायद उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि क्वेश्चन भी कंफ्यूज्ड है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ आपको, पैरामेडिक्स कौन होते हैं जो कि एक डॉक्टर के इर्द गिर्द होते हैं, जैसे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गए, लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए। तो ऐसे 52 से 56 कैटेगरीज हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। उसमें कहीं भी इलेक्ट्रोमोपैथी का जिक्र नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोपैथी ये देखिए एक कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी, ये तीसरी कैटेगरी, फिजियोथेरेपी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये तकरीबन 56 प्रोफेशन है। अब ये प्रोफेशन जो है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट में आएंगे। ये एक्ट बन गया है मगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मगर इलेक्ट्रोपैथी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो एक पैरामेडिकल या अलाइड हेल्थ केयर कोर्स नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा सिस्टम है मेडिसिन का, एक थेरेपी है। उसके लिए जो एक्ट बनेगा उसका नाम कुछ और होगा। तो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ के साथ इसको कन्फ्यूज मत कीजिए, ठीक है। इसका एक्ट इलेक्ट्रोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन का अभी बना ही नहीं, तो इम्प्लीमेंट होने की गुंजाइश ही कहाँ है। तो बहुत कई बार समझाना पड़ता है बच्चों को, कई बार वो ऑर्थोडॉक्स या वियर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।